भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी ने किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी ने किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। ২০১৮ में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा था। और हुआ भी वही, जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली, यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया होता। बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जनविश्वास बिल, मेडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित किए। और ये ऐसे बिल थे जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था और केरल के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी कि वो ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हावी हो चुकी है, उनको फिशरमैन की चिंता नहीं है। यहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बिल था, देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल था। हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में
भारत कैसे उभरे, वैसी एक दीर्घदृष्टि के साथ सोचा गया था, उससे भी आपका इतराज। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है उससे जुड़ा हुआ था। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ऑयल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है। उस पर कितनी गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन राजनीति आपके लिए प्राथमिकता थी। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है।